लोग बात करेंगे WI वर्सेस इंडिया थर्ड ODI मैच विनिंग प्रूफ की। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे वॉलेट में करीबन आपको 10,000 रुपये के आसपास नज़र आ रहे होंगे जो कि मैंने थर्ड ODI से जीते हैं और फर्स्ट सेकंड से जो मैंने जीता था उसका मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर दिया था। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 10,000 के आसपास मेरे अकाउंट में बैलेंस और बाकी कुछ पहले से थे और कल का जो मैंने एक पोर्ट जीता वो कुछ 10,000 रुपीज़ की थी। सो यहाँ पर पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ एंड उसके बाद आपको टीम दिखाऊँगा और कैसे टीम मैंने बनाया वो भी आपको दिखाऊँगा और आपको ऐसी टीम कहाँ मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। सो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर से नीचे आइए एंड ये वाला ऑप्शन ओके। सो वन कॉन्टेस्ट प्राइज 10,000 28 जुलाई 3:37 यानी कि रात के 3:37 में मुझे 10,000 रुपये प्राप्त हुए। चूँकि इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का मैच स्पेन में हो रही है सो स्पेन में जब 3 बज रहे होते हैं हमारे तो वहाँ पर आई थिंक दोपहर के 3 या 4 बज रहे होते हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो विनिंग हो चुकी है। अब मैं आपको टीम दिखाता हूँ कि कैसे मैंने विन किया। सो माई कॉन्टेस्ट पे चलते हैं। लाइव पे तो नहीं, कंप्लीट पे वो मैच होगी एंड ये रहा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया। पर सिंपली क्लिक करते हैं एंड यहाँ देखोगे तो 10,000 का यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा, इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कितने पॉइंट से मैंने विन हासिल की है। 754 मेरे थे और 674 यानी कि मैं अगर मेरे आजू बाजू भी ये बंदा नहीं है, आप ये चीज़ देखो कि मेरे अगल बगल में भी ये बंदा नहीं है और मैं कितनी आसानी से टीम विन कर गया। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं मैच अगर टीम पे उनके उसके क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर ओके सो ये मेरी टीम है। ओपोनेंट की टीम पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि सामने वाला ओपोनेंट और मेरा दोनों का टीम मर्ज हो जाता है और दोनों के टीम में क्या क्या डिफरेंस है वो पता चलता है। तो लगभग हमारे ना 8 प्लेयर बिल्कुल सेम थे ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तो इनके पॉइंट आए गए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब अगर मुझे आएंगे तो सामने वाले को भी आएंगे और सबसे ज़्यादा पॉइंट देखे गया शिखर धवन ओके। सो शिखर धवन और UG चहल। सो अगर मैं यहाँ पर अगर साई होप के जगह पे अगर मैं किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन लिया होता UG को या फिर शिखर को तो और भी अच्छा मेरा पॉइंट आता और ग्रैंड लीग तक विन कर सकता था इस टीम के साथ। तो यहाँ पे आप देखो कि श्रेयस अय्यर को यहाँ पर इस बंदे ने कैप्टन लिया था और मैंने लिया था सुमन गिल को। सो यहाँ पर आपको याद होगा कि श्रेयस अय्यर का पिछला कुछ मैचों का रिकॉर्ड है कि उन्होंने हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब 40+ रन 50+ रन उन्होंने कंटिन्यू 5-6 मैच में ODI जो होती है उसमें अच्छा स्कोर किया है। सो चलिए इनका ये भी मानना सही था कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन ले लिया जाए क्योंकि ये बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है। बट हाँ, ये कैप्टन बड़ा परफॉर्मेंस किसी भी मैच में इन्होंने नहीं दिया। 50-40 ODI में 50-40 एक विनिंग रन नहीं होती है जो कि आपको याद होगा। सो सुमन गिल यहाँ पर एक कैप्टनशिप पारी नहीं खेले तो हाँ आप इनको वाइस कैप्टन ले सकते थे ना कि कैप्टन। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वाइस कैप्टन तो मेरा चला ही नहीं। तो अगर यहाँ पर साई होप के जगह पे मुझे भी श्रेयस अय्यर को लेना चाहिए था बट एज अ वाइस कैप्टन ना कि कैप्टन। देन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने लिया था जैसन होल्डर को। दोस्तों अगर कोई इंजर्ड प्लेयर या फिर कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर या फिर जो प्लेयर लगातार ड्रॉप हो और वो टीम में वापसी करे तो उनको वाइस कैप्टन लिया जाता है ग्रैंड लीग में ओके। ग्रैंड लीग में लो, मेगा लीग में लो या फिर कैप्टन लो, डायरेक्ट आया वो बंदा और उसको आपने वाइस कैप्टन ले लिया, ये कहाँ की समझदारी है, ये आपको कभी नहीं करना है। चलिए इसका पॉइंट भी देख सकते हैं, भले ही मेरा वाइस कैप्टन नहीं चला ओके लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा पॉइंट है क्योंकि ये बंदा कंटिन्यू खेल रहा है, एक मैच में शतक भी लगाया। तो मैं इस पे ज़्यादा भरोसा करूँगा कि जो नया नया आया है उस पे भरोसा करूँगा ओके। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भरोसा आपको न्यू प्लेयर पे तब करना है, मतलब ये प्लेयर न्यू नहीं है, मतलब जो प्लेयर खेल नहीं रहा है, 2-3 मैच से ड्रॉप था और वो उनको टीम में जगह मिलती है तो अवेलेबल होते हैं तो जगह मिलती है, तो उनको आपको अगर उन पर अगर आपको रिस्क लेना है, ये हो गई रिस्क, तो उनको अगर आप पे रिस्क लेना है तो आप उनको लो ग्रैंड लीग में या फिर 10 मेंबर लीग में, 8 मेंबर लीग में, 5 मेंबर लीग में। अगर आपने हेड टू हेड में उनको रिस्क ले लिया ये बेवकूफ़ी है क्योंकि चलो अगर ये चल गए तो दोस्तों इनको तो किसी ने लिया ही नहीं होगा, अगर ये चल गए तो क्या होगा आपके साथ कि आप विन कर जाओगे
लेकिन यार अगर ये चल गया, अगर आपने इनको ग्रैंड लीग में लिया हुआ, तो फिर तो आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे ना। तो ये कहाँ की समझदारी हुई कि अगर आपने 40 रुपये लगा के 2 लाख 3 लाख विन कर लिए, एक वो होती है, और यहाँ पे आपने 5,000 लगा के 10,000 विन कर लिए, इतना बड़ा रिस्क लेके, तो ये कोई समझदारी नहीं है। और उसी के कारण यहाँ पे ये बंदा रॉस किया है। बाकी की टीम बिल्कुल सेम है, और मैंने एक बेवकूफ़ी की थी, सूर्य कुमार यादव। सो सूर्य कुमार यादव पे आप रिस्क ले सकते थे, चूँकि मैंने भी लिया, चूँकि ये बंदा कंटिन्यू 2 मैच से फ्लॉप था और 3रा मैच में भी फ्लॉप ही रहा, बट इस मैच में इसके चलने के संभावना थे। और अगर चलते तो रुकते नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर चलते तो रुकते नहीं। सो मैंने इनको अपने टीम में शामिल की थी और 13 पॉइंट देखे गए, कम से कम होल्डर से तो ज़्यादा ही देखे गए हैं मुझे। सो यहाँ पर चलिए सूर्य कुमार का कंपेयर यहाँ पे होल्डर से हो जाता है, भले ही बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर चलता तो फाड़ देता। सो इतना बड़ा रिस्क हम इन पे नहीं ले सकते थे, और सामने वाला ने इन पे रिस्क लिया। एंड यहाँ पे देखोगे तो साई होप को इन्होंने एज ए विकेट कीपर, सुमन गिल को एज ए प्लेयर। तो सुमन गिल को अगर इसने वाइस कैप्टन में लिया होता तो मेरे आसपास पहुँच जाता। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टीम कंपेरिजन कर दिया है और किस टाइप से आपको टीम क्रिएट करना है। अगर आपको मेरी वाली टीम चाहिए होगी, ओके, जो मैं टीम बनाता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको एक विनिंग टीम मिलती है। ये टीम भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, सेम टीम होगी, हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज हो, क्योंकि आपको मैं 2-3 टीम बनाता हूँ, सब में अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन रहते हैं, तो बट हाँ टीम बिल्कुल सेम होगी। आप जाइए टेलीग्राम चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। सो ये थे मेरी आज की विड्रॉल विनिंग प्रूफ की वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो में।